आफ्टर कैंसर द फिफ्थ राशि इज लियो। लियो राशि को सिंह भी कहते हैं हिंदी में, और सिंह राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की दूसरी राशि होती है। अग्नि तत्व की पहली राशि होती है एरीज, जहाँ पे सनलाइट के अराइवल को डिनोट किया जाता है, लेकिन सिंह राशि अग्नि तत्व की दूसरी राशि होती है जो किसी प्रोसेस के चलते रहने को डिनोट करती है। कितने टाइम तक एक प्रोसेस चल रहा है इस चीज़ को डिनोट करती है। जब हम किसी भी चीज़ पे फायर अप्लाई करते हैं, सपोज हम दिया जलाते हैं, तो दिया जलाने के प्रोसेस को एरीज डिनोट करता है, लेकिन वो दिया कब तक जलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर तेल कितना होगा। बट उस दिए का जलता रहना, उस दिए का चलते रहना, उस दिए का प्रकाश में रहना, इसको सिंह राशि डिनोट करती है। तो सिंह राशि जो होता है किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के कैरी फॉरवर्ड होने को कहते हैं, जो कि एक बार में चलती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि दर्जी को कपड़ा दिया जाता है सिलने के लिए, तो फोर्थ हाउस में वो चीज़ों को जोड़ता है। तो ये जो चीज़ों को जोड़ने का प्रोसेस है ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है, लेकिन जो टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं उसको जोड़ने के लिए, हो सकता है कि स्टिचिंग के अगर 5 टेक्निक्स हैं तो 5 टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक से किसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है, लेकिन 5 टेक्निक्स एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता, उसमें से कोई एक ही टेक्निक यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्निक के यूज़ करने को, किसी भी नॉलेज के यूज़ करने को सिंह राशि से देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने को सिंह राशि से देखते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से लेके इस स्ट्रक्चर के कैरी होने को, जो ऑर्डर्स कोर्ट रूम जो ऑर्डर्स पास करते हैं, इन ऑर्डर्स को, जो भी ऑर्डर उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको सिंह राशि से देखते हैं। इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जब भी सनलाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो सनलाइट एब्जॉर्ब होने लग जाती है, जिसको एब्जॉर्बिंग को हम टॉरस राशि से देखते हैं और सनलाइट के आने को हम एरीज राशि से देखते हैं। उसके आने के वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, सनलाइट के कंजम्पशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं हमारे सरफेस पर से, जिसको स्केप फ्रिक्वेंसी कहते हैं हम लोग, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट आता है। और जेमिनी राशि डिनोट करती है किसी भी चीज़ के ब्रेक अवे हो जाने को। कैंसर राशि डिनोट करती है जब कोई चीज़ ब्रेक अवे हो जाता है तो उस चीज़ कुछ नया फॉर्म होता है, तो नए चीज़ के फॉर्मेशन को कैंसर कहते हैं। लेकिन जो सिंह राशि होती है, सिंह राशि हीट जनरेटेड, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट जनरेट हो रही है उस सिस्टम में, उसको डिनोट करती है। तो एक सरफेस जो हीट के हीटेड सरफेस होता है, वो लगातार हीटेड चल रहा होता है, तो हीट में चलने को कहते हैं सिंह राशि। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयरन मेटल है, अब उसको आपको मेल्ट करना है, तो इस आयरन मेटल को जब आप मेल्ट स्मेल्टर में डालते हो, तो द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, उसको लोहे को आग लगा के पिघलाने को, जब तक वो पिघल रहा है तब तक उस पर हीट अप्लाइड है, इस हीट के एप्लीकेशन को सिंह राशि कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि सिंह राशि अग्नि तत्व की दूसरी राशि है, तो हीट जनरेटेड होती है, और हीट जनरेशन के कारण सिंह राशि जिस हाउस में बैठी रहती है आपकी, जिस हाउस में बैठेगी उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी। सिंह राशि सपोज ये 10th हाउस में, तो 10th हाउस रेस्ट का हाउस होता है, लेकिन जब आप रेस्ट करने जाओगे यहाँ पे आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे रेस्ट करने के समय आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट, आपकी बॉडी मूव करने लग जाएगी, आप शांत से नहीं रह सकते। तो स्कॉर्पियोज जो होते हैं, स्कॉर्पियोज की जो सिंह राशि होती है वो 10वें स्थान पर होती है, इसीलिए इन्हें सेक्सुअली एक्टिव इन बेड कहा गया है। अब ये एक क्रोनोलॉजिकल डिडक्शन है, जो कि आई थिंक आई शुड नॉट हैव सेड दैट, बट ये फिर प्लैनेट्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। सो ये टेंथ प्लेस पे सिंह राशि के होने की वजह से इनको सेक्सुअली एक्टिव कहा गया है इन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी। बट सिंह राशि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को नहीं डिनोट करता है, सिंह राशि और भी बहुत सी चीज़ों को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल कितने विगर से आप किसी काम को कर रहे हो, विगर जो होता है, जो वर्ड है विगर, जो आप
इनपुट डालते हो, जितना स्ट्रेंथ आप डालते हो किसी काम को करने में, इसको सिंह राशि से देखा जाता है। जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जितने भी थिएट्रिक्स हैं, इनको सिंह राशि से देखा जाता है। सिंह राशि जो होता है किसी भी प्रोसेस को चलाते रहने के लिए ज़रूरी है। पैशन, पैशन को सिंह राशि से देखते हैं। जब तक आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं हो, आप काम नहीं करते उस चीज़ से रिलेटेड, तो सिंह राशि को इसलिए पैशन की राशि भी कहते हैं। तो सिंह राशि जो है वो पांचवें नंबर पे आती है और अग्नि तत्व की दूसरी राशि है। तो ऑपरेशन, जितनी भी टाइप के ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप मान लो सर्जरी हो गया आपको, जैसे कि किसी भी चीज़ का को शेप देना हो गया, इसको हम सिंह राशि से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग द शेप इज सीन फ्रॉम सिंह राशि। मैंने आपको बताया था कि कर्क राशि में हम कपड़े को जोड़ते हैं, लेकिन सिंह राशि में हम कपड़े को तैयार कर देते हैं कि हमारे कपड़े का डिज़ाइन कैसा होगा। तो जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, आप देखो जो नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको सिंह राशि से देखते हैं। तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को देखा जाता है सिंह राशि से। जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जो कोडिंग में लगे रहते हैं, जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनमें जो कोडर्स होते हैं, उनको सिंह राशि से देखा जाता है। सिंह राशि आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये चूँकि अग्नि तत्व की दूसरी राशि, ये किसी चीज़ को चलायमान, जो दिया जल रहा है उसके जलते रहने को हम सिंह राशि कहते हैं। वो कितनी देर तक जलेगा उसको सिंह राशि कहते हैं। किसी एक एक्ट को आप कितना लंबा परफॉर्म कर रहे हो, कितनी देर तक परफॉर्म कर रहे हो, सपोज़ राइटिंग पे आ जाते हैं, राइटिंग एक एक्टिविटी है। अब जब आप लिखने बैठते हो तो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक लिख पाते हो किसी भी चीज़ को, तो वो एक बार में किसी काम को आप कितना कर लेते हो, इस चीज़ को सिंह राशि से डिनोट किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे असेंबली लाइन जो होता है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, जो असेंबली लाइन वर्कर्स होते हैं, उनको सिंह राशि से देखा जाता है। वाई? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पार्ट्स इन देयर प्लेस। इसको कैंसर राशि से भी देखा जाता है, बट कैंसर राशि में आप चीज़ों को अक्वायर करते हो, आप चीज़ों को लाते हो, लेकिन सिंह राशि में देखा जाता है उसको जोड़ना, उसको एक्चुअल असेंबली में डालना। कार के जितने भी सेपरेट पार्ट्स होते हैं उनको एक जगह जोड़ने को देखा जाता है सिंह राशि से। तो इन टोटल आपकी जो प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, इसको सिंह राशि से देखा जाता है। जितने भी मूवी मेकर्स होते हैं वो मूवी एक दिन में नहीं बनाते, वो मूवी को एक सर्टेन एक्ट के थ्रू धीरे धीरे करके बनाते हैं। तो एक दिन में जो वो एक्ट है, तो परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, आप एक एक्ट को कितनी जल्दी परफॉर्म कर ले रहे हो, कितने अच्छे से परफॉर्म कर ले रहे हो। सिंपल अगर मेरे को सिंह राशि को एक्सप्लेन करना रहे तो बॉटम लाइन बनेगी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। आप किसी काम को कैसे परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी एक्ट को कैसे परफॉर्म कर रहे हो। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स आवर हैबिट्स, लेकिन फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स आवर एक्शंस, जो एक्शंस हम लेते हैं किसी काम को करने के लिए। तो ये जो टेक्निक्स होते हैं आपके पास, आप जो फोर्थ हाउस में लर्न करते हो, इन टेक्निक्स को फिफ्थ हाउस में अप्लाई करते हैं। तो फिफ्थ हाउस करस्पॉन्ड्स विथ सिंह राशि, तो सिंह राशि बताता है। अब जैसे प्लेट, मैंने बताया था कि कर्क राशि में आप देखते हो कि जो टंकी है ऊपर में उसका पानी कैसे यूज़ हो रहा है, लेकिन पानी की यूज़ करने की जो टेक्निक है, अब जैसे बर्तन ही है, बर्तन को बहुत तरीके से धोया जा सकता है, तो ये कौन किस तरीके से आप धो रहे हो, किस तरीका क्या है, व्हाट इज़ योर मोडस ऑपरेंडी, आपका तरीका क्या है किसी काम को करने का, मोडस ऑपरेंडी क्या है, उसको सिंह राशि से देखते हैं। पहले किसी चीज़ को करना है, फिर उसके बाद उस चीज़ को करना है, ये अरेंजमेंट हो गया आपका जेमिनी, लेकिन उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर देना कि हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, इट इज़ सिंह राशि। जितने भी कुक होते हैं उनको सिंह राशि से देखा जाता है, वो क्या खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के प्रोसेस को सिंह राशि से देखा जाता है। अगर आपका सैटर्न सिंह राशि में है तो फिर आप हाउस देखो किस हाउस में पॉजिटेड है। अगर वो एट्थ हाउस में पॉजिटेड है तो एट्थ हाउस इज सेकेंड फ्रॉम सेवेंथ, तो आप लोगों को क्या खाना खिला रहे हो, इस चीज़ को कुक करना, इसको जैसे बहुत फेमस कुक एट्थ हाउस से भी देखे जाते हैं अगर उनका सिंह राशि में सैटर्न वहाँ पे प्रेजेंट है।
या फिर सिंह राशि आपके चौथे स्थान पे है, तो चौथा स्थान अक्वायर करने का स्थान होता है, बिल्ड करने का स्थान होता है। तो आप तरीके फाइंड कर रहे हो किसी चीज़ को कितने तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, किसी खाने को कितने तरीके से पकाया जा सकता है, इसको भी सिंह राशि से देखा जाता है। सिंह राशि अगर आपके दूसरे स्थान पे है और दूसरे स्थान पे सैटर्न पॉजिटेड है, तो मैंने बताया था अक्वायर करने को सिंह सॉरी अक्वायर करने को टॉरस राशि से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्थान को अक्वायर करने के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंह राशि है। तो आप अक्वायर क्या कर रहे हो, तो आप अक्वायर कर रहे हो कुक्स को, वो जो आपका खाना बना सके। तो जो लोग होते हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, जो कुक्स हायर करते हैं और खाना बनवाते हैं, उनको उनका सिंह राशि में सैटर्न अगर दूसरे में, तो उनको बोल सकते हैं कि ये होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, रिजॉर्ट ओनर्स हैं। सो सिंह राशि बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट वे। अगर सिंह राशि में राहु है तो यू आर इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट सिंपल, राहु इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी चीज़ को करते रहने में, अब वो आपका हाउस देख के, आपका पोजीशन देख के, उस पर आस्पेक्ट देख के बता पाऊँगा कि किस तरीके का काम है आपका। अगर नेगेटिव आस्पेक्ट पड़ता है तो आपसे ज़्यादातर गलत चीज़ें हो जाती है, अगर पॉजिटिव आस्पेक्ट है तो वो पॉजिटिवली फिर अफेक्ट करता है उस प्लेस को। सो विद दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब ट्यून इन।